Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. राजेंद्र नगर विधानसभा के 100 क्वार्टर वाल्मीकि कॉलोनी में मैं समय खड़ा हूँ। मेरे पास ये माताएं बहनें खड़ी हैं। मैं जा रहा था, पीछे से इन्होंने आवाज़ देके मुझे बुलाया है और ये परेशान है। 90,000 रुपये, 82,000 रुपये, किसी का 62,000 रुपये, किसी का 1,00,000 रुपये, किसी का 1,50,000 रुपये बिजली के बिल आ रहे हैं। 25 गज के मकान है, एक घर में पंखा चलता है, एक कूलर चलता है और एक छोटा सा फ्रिज चलता है। जबकि 8 महीने से मेरा मीटर बनता है, उसके बाद ये देखिए इनकी बात। आपका क्या नाम है बहन जी? सोमा है। मेरे साथ बहन खड़ी है, पर्दा करती है, थोड़ा धार्मिक कारणों से अपने को थोड़ा संस्कार, हमारे हिंदू संस्कार है, पर्दा करती है। मेरे सोमा के नाम से 8 महीने मीटर बंद रहा, उसके बाद भी 40,000 का बिल भेज दिया उन्होंने। 8 महीने से सोमा जी कह रही है कि इनका बिजली का मीटर बंद पड़ा है, उसके बावजूद 41,000 का बिल आ रहा है। नहीं जमा कराते तो केजरीवाल की बिजली कंपनियां पुलिस फोर्स लेकर महिलाओं के साथ बदतमीजी करके, दुर्व्यवहार कर धमकी देकर काटने की देती है। गर्मी के मौसम में लोग अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएं? ये बहन दूसरी खड़ी है, ये किसका है आपका? ये मेरा राजकुमारी। ये राजकुमारी जी हैं। बिल नहीं भरा तो मैंने दो बार मेरी लाइट काट चुके हैं, मजदूर आदमी है, दो बार मेरी लाइट काट चुके हैं, बिल नहीं गया। घरों में सफाई करते हैं, गरीब 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 तबके के लोग, घरों में काम करने वाले हैं, पचास चालीस तीस की मेरे एक ही फ्लोर है, मेरा एक फ्लोर है, 30 गज का मकान है, 6 भाई उसमें रहते हैं, 33,000 का मेरा बिल आया, मेरा एक फ्लोर है, एक फ्रिज है, एक टीवी है बस, और कूलर भी दिया, मेरे साथ पंखा लग रहा है मेरा तो भाई साहब। ये बहन राजकुमारी जी का 87,000 का बिल, और आपका नाम क्या है जी? इस सारे बिल के लेके बात करने के बाद भी 6,000 का बिल भेजा, सारा बिल जमा कराने के बाद भी इनको बिल दिए जा रहे हैं, और गुंडागर्दी हो रही है। पुलिस फोर्स के CIS पुलिस फोर्स के गुंडागर्दी करते हैं, अपने इनके गुंडे आते हैं और पूरा पूरा इलाका घेर लेते हैं। जैसे कि 100 क्वार्टर वाल्मीकि कॉलोनी ना होकर कोई आतंकवादियों की कॉलोनी हो, आतंकवादियों से ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता जैसा यहाँ 100 क्वार्टर के वाल्मीकि समाज के साथ केजरीवाल सरकार कर रही है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और इस प्रकार का ये अत्याचार वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ बहुत ही निंदनीय है। और कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, उसकी लाठी के डरना चाहिए, भगवान गरीब की हार नहीं लेनी चाहिए।